कोविड-19 के चलते मिली छूट के दौरान लॉकडाउन में अब छूट मिली है, जिसके चलते अब अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू हो गई है। लेकिन ओपीडी में पूरी सुविधाएं नहीं मिलने से मरीजों को यहां वहां भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर में सामने आया है, जिसमें एक्सरे मशीन के खराब होने के चलते मरीजों को निजी क्लिनिकों में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पिछले एक महीने से एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है, जिसके चलते मरीजों को निजी लैबों में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एक्सरे करवाने पहुंचे मरीजों ने बताया कि एक्सरे मशीन खराब होने के चलते दिक्कतें पेश आई हैं। मरीज ऋतिक ने बताया कि इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में आए हुए थे, लेकिन एक्सरे मशीन खराब होने के चलते बाहर महंगे दाम देके एक्सरे करवाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये मेरा बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ता है। इसको कोई 10 दिन से प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द है। तो हम सुबह डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि इसका एक्सरे करवाना है। पहले तो यहाँ परेशानी में पर्ची बनाना मुश्किल है, लेकिन जैसे भी था पर्ची हमारी बनी नंबर पे। जैसे ही हम वहाँ गए तो बोलते जी मशीन खराब है। मैंने कहा आप लिख के दो, तो वो कहते हैं कि एक्सरे का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर लिख के लाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप पर्ची के ऊपर लिख दो। तो वो डर रहे थे लिखने से, बाद में उन्होंने लिख के दे दिया कि मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। बाद में हमने एक्सरे बाहर करवाया, जिसका 400 रुपया हमने दिया। तो हमारा निवेदन है कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो भी गरीब जनता इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए आ रही है, कोई डॉक्टर से मिलने आ रही है, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। हमारे जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज है, तो कॉलेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ हर फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर एक एक्सरे नहीं हो रहा है तो कितने लोग परेशान हो गए, यही मेरा निवेदन है जनाब। वहीं इस मुद्दे पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि मामला प्रशासन के ध्यान में है और जल्द ही एक्सरे मशीन को ठीक करवा दिया जाएगा। ऐसा है कि अब ये जो रिपेयर का काम है, सरकार ने एक नेक्स्ट जेन कंपनी है पूरी स्टेट में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो वो आए थे, उन्होंने क्योंकि पीछे कुछ पार्ट्स की प्रॉब्लम थी, वो क्योंकि लॉकडाउन था पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, तो वो आए हैं। उन्होंने हमारे को वो बोला है कि हम जल्दी से इसको रिपेयर करेंगे।